मोदी जी हो चाहे मुख्यमंत्री जी हो, सारे लोग हिल चुके हैं, घबरा गए हैं। मुखदार के अंदर क्या बोलते हैं उनको समझ में आ नहीं रहा है। मोताबीन राजनीति कर रहे हैं, नॉन इश्यू को इश्यू बना रहे हैं और जनता को धोखा देने का काम कर रहे हैं। एक धोखा खाया हमने 13 में 14 में, इस बार धोखा नहीं खाना हम लोगों को। ये हमारे संकल्प होना चाहिए। बड़े बड़े वादे किए थे, ब्लैक मनी लेके आएंगे, 1 रुपया लेके नहीं आया अभी तक। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, भूल गए वादे को, भूल गए। अच्छे दिन इंतजार पूरा देश कर रहा, अभी तक भी आए नहीं। वसुंधरा जी क्या क्या बोले थे मालूम आपको? 15 लाख नौकरी अभी तक लगी नहीं, भारी बहुमत मिला उनको, जनता की आशा अपेक्षा पे पानी फेर दिया उन्होंने, ये काम उन्होंने किया। अब गौरव यात्रा में निकली थी, बोले गए गौरव किस बात का हमारी वसुंधरा जी, ये आपकी विदाई यात्रा है, विदाई यात्रा है, उनसे विदाई करो। और जो भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड टूटे राजस्थान के अंदर, जो बोल रहा है उनको बिना पैसे दिए हुए काम नीचे ऊपर का नहीं होता है। ऊपर से वजीर माफिया ने बड़ा खेल किया, नीचे ऊपर से पैसे पहुंचे हैं 1 करोड़ रुपए, वही पैसा अब हमारे चुनाव में हमारे खिलाफ में काम करना चाहते थे। 2 करोड़ की स्थिति क्या है आपको मालूम है? बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं रही, छोटे बच्चों के रेप होते गए, निर्दोष लोग मारे गए, चोरी रखे थे आम बात हो गई। किसान दुखी है, युवा दुखी है, नौकरी मिल नहीं रही है, दलित और पिछड़े दुखी है, हर वर्ग दुखी है, महिलाएं दुखी है। इसलिए मैं लंबी बात नहीं कहता, आपसे आह्वान करूंगा चुनाव चुनाव उठा है, कृपा करके जो मैंने नाम लिए अभी आपके सामने, उन तमाम लोगों को आप अपना आशीर्वाद दें। एक एक वोट दिया के दिलाए उनको, पूरे क्षेत्र में प्रचार प्रसार करें और सभी खेले जिता के लाए, ये मेरा आपसे विनम्र आग्रह है। धन्यवाद, जय हिंद। अगर आपको यह खबर अच्छी लगी तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए चैनल को अभी फ्री में सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।